हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग जो घर पे अच्छे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेस्ट का जो है बताने जा रहा हूँ। मैंने ये आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दिया था बनाने के लिए, लेकिन कितने बच्चे जो है ये जा रहे हैं कुछ बोल दिए हैं, तो कोई जो है उसमें जो है वर्ब में जो है आई एन जी लगाना हो गया। इसी जो है आप लोग का स्ट्रक्चर इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान दीजिए कि आप लोग जो है स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे सेंटेंस गलत बनेगा। इसका जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, इसमें जो है सबसे पहले हम ई जा रहे हैं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस वर्ब का जो है वो हम यूज करते हैं, यानी कि वो वर्ब में जो है हम आई एन जी को ऐड करते हैं। वर्ब में आई एन जी, वर्ब में आई एन जी, वर्ब में आई एन जी। वर्बफॉर्म का मतलब क्या हुआ? वर्ब में जो है आई एन जी को हम लोग ऐड करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपको देखिए क्या वो, क्या वो किताब नहीं बेच रहा है? रहा है क्या वो किताब नहीं बेच रहा है? देखिए आप क्या आया हुआ है और नहीं आया हुआ है, ये सेंटेंस कौन सा होगा जी? निगेटिव इंडिकेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव इंडिकेटिव। क्या वो किताब नहीं बेच रहा है? यहाँ पे हम पहले अगर क्या आता है कि इसके लिए जो है हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे किसका ही होगा इज आर एम, तो ये जो है सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि वह है, तो ही के साथ किसका जो है इज का, तो यहाँ पे लिखेंगे इज, इज ही, इज ही। क्या वो हो गया सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या लिखना है? नॉट, इज ही नॉट। अब हम देखिए इसमें क्या है, बेचने का क्या होता है? सेल होता है, इसमें क्या हुआ आई एन जी को ऐड करना होता है। इज ही नॉट सेलिंग क्या वो किताब नहीं बेच रहा है? इज ही नॉट सेलिंग बुक। उसका जो है सेकेंड स्टेप एग्जाम्पल देखिए, क्या हम लोग, क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं? किताब नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं? यहाँ पे की जा रहे हैं किसके जो है बी के साथ होता है वो आर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमने आर लिख दिया, आर बी नॉट, आर बी नॉट। पढ़ने की बात है क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं? आर वी नॉट रीडिंग बुक।
इस तरह से जो है आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब जो है मैं आपको तो इसका जो है सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ।